जेलेंस्की के लिए एक बुरी खबर है, रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं वॉलंटियर्स, बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं ये वॉलंटियर्स। 10 दिन में करीब 13,500 वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं रूस की सेना में, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है। उधर ज़ापोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी टैंक को उड़ा दिया, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी करके ये जानकारी दी। ज़ापोरिज़िया में ड्रोन से रूस ने टैंक उड़ा दिया। उधर यूक्रेन ने रूसी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया, यूक्रेनी हमले में 50 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत हो गई, यह दावा यूक्रेन का है, बहुत बड़ा दावा यूक्रेन ने किया है। रूस की ओर से अटैक की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसने एक ट्रेनिंग कैंप पर अटैक कर रूस के 56 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यूक्रेन ने लोकेशन नहीं बताई।